उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर मुखर हुए हैं। परेशान और आक्रोशित कर्मचारियों ने लगातार अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई, लेकिन उनका आरोप है कि लापरवाह अधिकारियों ने न तो मांगों को माना बल्कि उन्हें अनदेखा कर दिया। शासन में भी कई प्रत्यावेदन भेजे गए लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसे लेकर आज मुख्यालय में गुस्सा यूपी जिला कर्मचारी संयुक्त संघ ने आम सभा कर अपनी मांगों को लेकर हुंकार दी। हायर पेंशन, बंद एसीपी एवं पदोन्नति, मोबाइल भत्ता, कैशलेस सुविधा, फंड एसीआर सहित लगभग 8 मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आम सभा कर अधिकारियों को अपनी बात पहुंचाने के लिए हल्ला बोला। कर्मचारी संयुक्त संघ के अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मियों के एसीआर फॉर्म स्थापना अनुभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण कर्मियों की एसीपी एवं प्रोन्नतियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर प्रबंधन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्राधिकरण के कार्यों को अवकाश पर नहीं करेंगे। विभाग को समय पर ही कार्य होगा और फोन पर वार्ता होगी, अन्यथा समय समाप्त होने पर फोन को भी बंद कर अपने घर पर व्यक्तिगत कार्य होने में समय देंगे। जो आज का जो प्रोग्राम है ये प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में, जो इन कर्मचारियों के साथ जो उनको दे लाभों को अनदेखा किया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ भी प्रबंधन को अगर समर्थन और कार्य किया जा रहा है, उसके पश्चात भी जो प्रबंधन कर्मचारियों की दे मांग और लाभों की तरफ से नज़रें मोड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट में या उसके विरोध में सारे कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए आज एक आम सभा बुलाई गई है, जिसमें जो हमारे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आपका पेंशन का, हायर पेंशन का आदेश जारी किए, 4 माह बीत गए लेकिन ना तो उसका कोई प्रचार प्रसार किया गया, ना कर्मचारियों को उससे किसी भी प्रकार से अवगत कराया गया, जो समय बराबर बीतता चला गया। दूसरा है कि हम लोगों को केंद्रीकृत सेवा में प्राधिकरण तो बना दिया गया, परंतु समस्त प्राधिकरणों की सेवाओं में लाभ अलग अलग हैं, जिससे हम लोगों के लाभ और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कैशलेस मेडिकल की सुविधा कुछ प्राधिकरणों में है, हमारे यूपी सीडा जो एक प्रॉफिटेबल प्राधिकरण है, सारे प्राधिकरणों में हमारा एक ऐसा प्राधिकरण है जिसपे किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ के कर्मचारी लोग कैशलेस मेडिकल से वंचित हैं। हमारे विभाग के कर्मचारी जो भी हमारी एसीआर वगैरह जो हम लोगों के वार्षिक प्रोन्नति का एक आधार होता है, उसको हमारा ही प्रबंधन स्वीकार करने से मना कर रहा है, आप उसको लेना ही नहीं चाह रहे हैं कि उस पर कोई टिप्पणी करें। अगर यदि हमारे द्वारा प्रबंधन से की गई मांग में नहीं पूरा किया जाता है, जो भी आज हमारे पास असंख्य की संख्या में जो हमारे कार्मिक भाइयों की उपस्थिति है और जो पूर्व के कर्मचारी और जो वर्तमान के कर्मचारियों द्वारा ये निर्णय भी लिया गया है, जो उनके सुझाव आए हैं कि अगर यदि हम लोगों के साथ हम लोगों के दे लाभों को और हम लोगों के हितों के बारे में प्रबंधन कोई विचार नहीं करता है, तो हम लोगों द्वारा अपने परिवार के हित में दिए जा रहे समय को जो प्राधिकरण में दिया जा रहा है, उन समय को हम लोग अपने परिवार में देंगे। ऑफिस टाइम के बाद कार्यालय समय के पश्चात अपने व्यक्तिगत फ़ोनों को स्विच ऑफ रखेंगे, किसी तरीके के अपने व्यक्तिगत फ़ोनों पर किसी प्रकार का कोई कार्यालय कार्य नहीं निष्पादन करेंगे एवं अवकाश के दिनों पर हम लोग कार्यालय से भी दूरी बना के रखेंगे। हमारे मुद्दे हैं कि हमारा जो प्राधिकरण हो गया है, समान प्राधिकरण बना दिया गया है, सबको एक कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है, सेंट्रलाइज सर्विस कर दी गई है, उस मुद्दे को हम लोग ने ये कहा है कि हमारे जो सुविधाएं ग्रेटर नोएडा नोएडा अथॉरिटीज़ में मिलती हैं वो सारी अथॉरिटीज़ एक कर दी गई, तो सबकी सुविधाएँ भी एक की जाए। मैं 3 रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूं अपने एमडी को, सीओ महोदय को, ये 3 के बाद ये मेरा मुद्दा है कि मैंने आम सभा बुलाई है, सबकी सहमति ले ली है, क्योंकि कर्मचारियों को प्रेशर है मेरे ऊपर कि आप बुलाओ और हम लोग सब साथ हैं, तो इसके बाद हम लोग नई रणनीति तैयार करेंगे, आगे भी हड़ताल में भी जा सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। इस चीज़ कितने कार्मिक आपके यहाँ एसीपी की सुविधा
अभी हमारे जो बैकलॉग में हुए थे 2008-09 में, उनको किसी को एसीपी नहीं मिला है और करीब 125 कार्मिक ऐसे रह गए हैं जिनको एसीपी की सुविधा अभी नहीं दी गई है, पुराने रह गए हैं।